खैरियत से होंगे। आज मैं आपके पास हाजिर हूँ एक नई रेसिपी के साथ। मेरी आज की रेसिपी है सिंधी बिरयानी। अब सिंधी बिरयानी में क्या अज्जा है मैं वो आपको बताने चलूँ। पहले मेरे पास है ये सुर्ख मिर्च, धनिया, हल्दी, नमक, ठीक है, और दूसरा ये मेरे पास पाउडर है। ये पाउडर मैंने खुद बनाया और इसमें क्या शामिल किया वो मैं आपको बताती हूँ। इसमें है ज़ीरा 1 स्पून, दालचीनी 2 पीस, लौंग 6 अदद, काली मिर्चें 10-12, अदरक छोटा सा एक टुकड़ा, सौंफ 1 टीस्पून, अजवाइन 1/2 टीस्पून, बड़ी इलायची 2। ये सब को मैंने मिक्स करके, ये आप देख सकते हैं, ये मैंने खुद घर में पाउडर बनाया है सिंधी बिरयानी। अब इसके अब आप देख सकते हैं मेरे पास 1 kg चिकन है, दो गिलास मेरे पास चावल है, ये 3 अदद आलू है और ये 4 से 5 प्याज है। मैं जला चुकी हूँ, अब मैंने इसमें एक पतीली चढ़ाया और ये आप देख सकते हैं तेल, ये 4 ml तेल है, मैं इसको इसमें डाल रही हूँ, ठीक है। अब जब तक के ये तेल गर्म होता है मैं प्याज, ये आप देख सकते हैं ये प्याज मैं कट करके अभी डालती हूँ। अब आप देख सकते हैं प्याज बिरयानी हो चुकी है। अब इसमें मैं चिकन डाल रही हूँ। आंच को हल्की कर दी, ये जरा अच्छे से सोते हो जाए। मैं अब इसको अच्छे से मिक्स कर चुकी हूँ। अब इसको मैं कवर कर रही हूँ, ठीक है। चिकन जो है मेरे पास बिल्कुल सोते हो चुका है। अब इसमें मैं आलू डालूंगी, क्योंकि आलू को भी तो गलना है ना, इसको मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। एक तरीके से समझे आलू भी बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए, और अब इसको मैं कवर कर दे रही हूँ, ठीक है, थोड़ी देर के लिए कवर कर रही हूँ। 2 टमाटर हैं, अब इसको मैं अच्छे से छोटे छोटे पीस में कर लूँगी, और ये 1 पाव दही है जो मैंने बीट करके रखा, और ये सारे मसाले मैं इसमें मिला दूंगी। मिला के अच्छे से मैं इसे मैश कर लूंगी, फिर उसमें डालना है मुझे। डालूंगी सबसे पहले ये टमाटर जो मैंने कट कर दिया था, ठीक है। अब ये टमाटर डालने के बाद अब इसमें मैं जो पेस्ट बनाया था मसाले का दही के साथ, ये अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए कवर कर दूंगी। मैंने कवर कर दिया, 1 प्याला पानी मैं डालूंगी ताकि आलू और गोश्त सही से, टमाटर आलू सब सही से गल जाए, खास तौर पे आलू। अब ये चावल मैंने निकाले थे, अब इसको मैं भिगो दे रही हूँ। चावल मैंने भिगो दिए, चावल बॉईल करने के लिए मैंने पानी चढ़ा दिया। इसमें ये 4 अदद मोटी हरी मिर्च डालूंगी और ये नींबू का अरक डालूंगी। देख सकते हैं मेरे पास पानी बॉयल हो चुका है, अब इसमें मैं चावल डाल दूंगी। देख सकते हैं मैंने जो चिकन चढ़ाया था, अब ये तकरीबन तैयार हुआ। मैं अच्छे से इसको भून लेती हूँ, ऑयल सारा ऊपर आ जाएगा तो आप इसको फिर मैं ढक दूंगी। आप देख सकते हैं चावल बिल्कुल मेरा तैयार है, अब ये चावल को मैं निखार दूँगी। ये देख सकते हैं आप मेरी बिल्कुल ये रेसिपी बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसे डिश आउट कर रही हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ।
अब आप देख सकती हैं मेरी सिंधी बिरयानी बिल्कुल रेडी है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।